नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार, उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी एग्जामिनेशन के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली मॉर्निंग के 10 बजे हम लोगों का लाइव डाउट सेशन होता है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेरी पूछ रहे थे कि सर प्लीज़ आप हमें सीबीटी एग्जामिनेशन के बारे में बताइए कि हमें आखिर कितना सीबीटी एग्जाम देना पड़ेगा। तो पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन को मैंने अच्छे से रीड किया फ्रेंड, इसके बेसिस पर हम लोग कंक्लूजन पर पहुँचे हैं। एक एक छात्र को देने होंगे 5-5 सीबीटी 2 परीक्षा। ओके, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। एकदम बेसिक से मैं आपको एकदम क्लियर तरीके से समझा दूंगा कि आखिर सीबीटी 2 का इस सीबीटी को पूरा समझने के लिए फ्रेंड हम लोगों ने आपके लिए जो आप लोगों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN1 2019, उसका पीडीएफ ओपन करके रखा है। और उमंग स्टडी हमेशा से ही आप लोगों से रिक्वेस्ट करती है, कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन का केवल और केवल एक सोर्स होता है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ऑफिशियल वेबसाइट। तो आप लोग कोई भी इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो या तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से लें या ऑफिशियल नोटिफिकेशन से लें, नहीं तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है तो ये जरूर चेक करें कि आपको वो इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट से या ऑफिशियल नोटिफिकेशन से दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा। ओके, इसकी जानकारी के लिए आपको आना होगा फ्रेंड्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पारा नंबर 13.1 में। यहाँ पे मैंने आप लोगों का 13.1 पेज पॉइंट है, फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट ऑफ दिस CN1 2019। तो आप लोगों का फर्स्ट स्टेज सीबीटी जो होगा वो सारा पोस्ट के लिए कॉमन होगा, ठीक है। ज़्यादा जानकारी यहाँ पे नीचे आप लोगों के लिए दिया हुआ है। देखिए, द फर्स्ट स्टेज सीबीटी इज ऑफ स्क्रीनिंग नेचर। ये प्योरली जैसे कि स्क्रीनिंग होगा, मतलब इसमें जो क्वालिफाई करेंगे 20 गुना स्टूडेंट्स को जैसे कि सीबीटी 2 के लिए भेजा जाएगा। मतलब सीबीटी 1 का जैसे कि मेरिट में आपका कोई भी योगदान नहीं है, मेरिट किससे बनेगा तो आपका सीबीटी 2 से बनेगा, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट ये मैंशन करता है, एंड द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन फॉर द सीबीटी विल बी जनरली इन कन्फर्मेटिव विद द एजुकेशनल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट, ठीक है। तो जो भी आप लोगों का क्वेश्चन होगा फ्रेंड, वो आप लोगों का जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी हो रहा था कि सर यहां पे 12th वाले भी स्टूडेंट बैठ रहे हैं और ग्रेजुएशन वाले भी स्टूडेंट बैठ रहे हैं, तो सीबीटी 1 में क्या 12th वालों के लिए अलग क्वेश्चन आएगा, ग्रेजुएशन वालों के लिए अलग क्वेश्चन आएगा? नहीं फ्रेंड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पे जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आएगा वो जैसे कि जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है उसके लेवल का दिया जाता है, ताकि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले स्टूडेंट्स को जैसे कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। मतलब समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मान लीजिए ग्रेजुएशन के लेवल का क्वेश्चन दे दिया जाता है तो 12th वाले क्या कहेंगे, हमने तो 12th ग्रेजुएशन के बेसिस पे फॉर्म ही नहीं भरा, तो आप हमें ऐसा क्वेश्चन कैसे दे सकते हैं? इसलिए यहां पे ये चीज क्लियरली मेंशन किया गया फ्रेंड। हालांकि एनटीपीसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये चीज़ें क्लियरली मेंशन नहीं की गई फ्रेंड, लेकिन इसको हम लोग और भी विस्तार से समझने के लिए हम लोगों ने आरआरबी जेई का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको मैं यहाँ पे ओपन करके रखा हूँ। यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन है, द फर्स्ट स्टेज सीबीटी इज ऑफ स्क्रीनिंग नेचर एंड द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन फॉर द सीबीटी विल बी जनरली इन कन्फर्मिटी विद द एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स एंड और मिनिमम टेक्निकल क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट, ठीक है। तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है उसके लेवल का क्वेश्चन बनाया जाता है। ओके फ्रेंड, तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से जो है कि ये कन्फ्यूजन आप लोगों का क्लियर हो जाता है फ्रेंड, कि आप लोगों का जो भी सीबीटी 1 होगा वो सभी के लिए कॉमन होगा और इसमें सबके लिए सेम क्वेश्चन रहेगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे ये बोलता है फ्रेंड, द नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ फर्स्ट स्टेज सीबीटी शैल बी यूज्ड फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट ऑफ सेकंड स्टेज सीबीटी एज पर देयर मेरिट। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेज में जो भी आप लोग नंबर लाएंगे उसी के बेसिस पे जो इसको आपका सेकंड स्टेज के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यहाँ पे एक टर्म मेंशन एज पर देयर मेरिट, इसको भी मैं आप लोगों के लिए क्लियर करता हूँ। नेक्स्ट हम लोग आता है पारा 13.2 में फ्रेंड, यहाँ पे जो आप सेकंड स्टेज के बारे में जानकारी दी गई है 13.2, सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी, ठीक है। सेपरेट सेकेंड स्टेज सीबीटी शैल बी टेकन फॉर ईच ऑफ द 7 सीपीसी लेवल, दैट इज Level 2, Level 3, Level 4, Level 5, Level 6 विद ग्रेडेड डिफिकल्टी लेवल, ऑल पोस्ट फेलिंग विद इन द सेम लेवल ऑफ 7 सीपीसी। यहाँ पे से ये चीज़ देखिए क्लियरली बोला जा रहा है फ्रेंड, सेपरेट सेकेंड स्टेज सीबीटी होगा हर लेवल का 7 सीपीसी में। एक्चुअली आप लोगों का बहुत सारा वैकेंसीज है, उसको मैं डिटेल में अभी नीचे बताऊंगा। उसमें जितना भी लेवल है, लेवल 2 का भी वैकेंसी है, लेवल 3 का भी है, लेवल 4 का भी है, लेवल 5 का भी है और लेवल 6 का भी है। तो सारे लेवल्स के लिए अलग अलग CBT 2 एग्जामिनेशन होगा और एक पर्टिकुलर लेवल के लिए जितने भी मतलब सीबीटी होंगे वो सारे के सारे कॉमन होंगे। ओके फ्रेंड्स, आगे ये क्या बोलता है, ऑल पोस्ट फेलिंग विद इन द सेम लेवल ऑफ 7 सीपीसी शैल बी ए कॉमन सेकंड स्टेज सीबीटी। तो 7 सीपीसी में जो भी एक पर्टिकुलर लेवल होगा, मान लीजिए लेवल 2 है, लेवल 2 में जितने भी तरह के पोस्ट होंगे उन सभी के लिए एक कॉमन सेकंड स्टेज सीबीटी होगा, समझ रहे हैं। तो सारे लेवल के लिए अलग अलग सेकंड स्टेज सीबीटी होगा, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर लेवल में मल्टीपल पोस्ट है तो उन सारे मल्टीपल पोस्ट के लिए जैसे कि एक कॉमन सेकंड स्टेज सीबीटी होगा। आगे बढ़ते हैं, इफ कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर मोर देन वन लेवल ऑफ 7 सीपीसी पोस्ट
पोस्ट एज पर देयर एडुकेशनल क्वालिफिकेशन दे हैव टू गिव कॉमन फर्स्ट स्टेज सीबीटी एंड करेस्पॉन्डिंग सेकेंड स्टेज सीबीटी फॉर ईच लेवल ऑफ सेवन सीपीसी एज पर द टेबल गिवन इन पारा 13.6। मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा फ्रेंड, कोई एक ऐसा कैंडिडेट है जो कि आप लोगों का जैसे कि मल्टीपल पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो उसको सारे के सारे लेवल के लिए अलग अलग सेकेंड स्टेज सीबीटी देना होगा और फर्स्ट स्टेज तो आप लोगों को देना ही देना होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं पारा 13.6 में। पारा 13.6 में चीजें बहुत ही अच्छी दी हुई फ्रेंड और एकदम क्लियर करके यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों का टोटल जो है सो कि पारा 13.6 में आप देख सकते हैं फ्रेंड टोटल आप लोगों को कितना तरह का पोस्ट है, 13 तरह का पोस्ट है। द समरी ऑफ द वेरियस स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस डिटेल्ड एज अबव फॉर द नोटिफाइड पोस्ट आर टेबुलेटेड बुलेट। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का सीरियल नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोगों का सारा पोस्ट का नाम है। लेवल इन 7 CPC का जो लेवल है ये देखिए, लेवल 2 के अंदर कितने पोस्ट हैं, 4 तरह का पोस्ट है। लेवल 3 के अंदर एक पोस्ट है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। लेवल 4 के अंदर एक पोस्ट है ट्रैफिक असिस्टेंट। लेवल 5 के अंदर टोटल कितने पोस्ट है, 5 तरह का पोस्ट है। और लेवल 6 के अंदर कितने का पोस्ट है, 2 तरीके का पोस्ट है। अब आते हैं फर्स्ट एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो यहां पे देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कॉमन फॉर ऑल पोस्ट। ये जो है कि जितना भी तरह का पोस्ट है सभी के लिए जो है कि आप लोगों का फर्स्ट एक्सेसिबिलिटी होगा वो कॉमन होगा। अब आते हैं हम लोग सेकंड एक्सेसिबिलिटी की तरफ। सेकंड एक्सेसिबिलिटी की देखिए क्या लिखा हुआ, लेवल 2 आप लोग यहां पे देख सकते हैं, यहां तक आप लोग का लेवल 2 है फ्रेंड। यहां पे क्या लिखा हुआ, कॉमन फॉर ऑल लेवल 2 पोस्ट, जो कि मैं पहले बोल रहा था लेवल 2 का आपका जितना भी 4 नंबर तक का पोस्ट है इन सभी के लिए एक कॉमन सेकंड स्टेज सीबीटी 2 होगा। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग लेवल 3 की तरफ। लेवल 3 में एक पोस्ट है आप लोग कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। यहां पे जैसे कि सेपरेट फॉर लेवल 3 पोस्ट, तो इसके लिए आप लोग का एक सेपरेट लेवल 3 पोस्ट के लिए एक सेपरेट सेकंड स्टेज सीबीटी होगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं लेवल 4 के लिए। लेवल 4 में भी एक ही पोस्ट है आप लोग ट्रैफिक असिस्टेंट का, तो इसके लिए भी आप लोगों का क्या होगा, सेपरेट सेकंड स्टेज सीबीटी होगा, जो कि क्लियरली मेंशन है सेपरेट फॉर लेवल 4 पोस्ट। ठीक है, अब आते हैं लेवल 5 में। लेवल 5 में आप लोगों का 5 तरह का पोस्ट है, यहां पे आप लोग देख सकते हैं सीनियर टाइम कीपर तक 11 नंबर तक, तो इसके लिए एक कॉमन फॉर ऑल लेवल 5 पोस्ट, तो इन पांचों पोस्ट के लिए एक कॉमन सेकंड स्टेज सीबीटी होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लेवल 6 में आप लोगों का जैसे कि 2 तरह का पोस्ट है कमर्शियल एप्रेंटिसशिप स्टेशन मास्टर, तो यहां पे क्या आप लोगों का कॉमन फॉर ऑल लेवल 6 पोस्ट, तो इसमें क्या होगा, इन दोनों पोस्ट के लिए कॉमन सेकंड स्टेज सीबीटी होगा। उसी तरह से टाइपिंग या स्किल टेस्ट की बात करें तो यहां पे काफी अच्छा क्लियरली मेंशन है। आप लोग देखिए कौन कौन सा रिक्रूट इसमें, जैसे कि जूनियर कलर कम टाइपिस्ट की बात करें इसमें टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, इसमें भी टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, जूनियर टाइम कीपर में भी टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, लेकिन जो ट्रेंस कलर का इसमें आप लोग का टाइपिंग स्किल टेस्ट नहीं होगा। उसी तरह से कमर्शियल कम टिकट कलर की बात करें इसमें भी आप लोग का जैसे कि टाइपिंग स्किल सेट नहीं होगा। ट्रैफिक असिस्टेंट में आपको क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह से बात करें तो गुड्स गार्ड में भी आप लोग का नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में भी कुछ भी नहीं होगा, सिंपली सीबीटी 2 के बाद आपका मेरिट बन जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसी तरह से सीनियर कलर कम टाइपिस्ट की बात करें तो इसमें आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। उसी तरह से अलग अलग पोस्ट का यहाँ पे सारा दिया हुआ है। ठीक है, कमर्शियल एप्रेंटिस की बात करें यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं होगा, स्टेशन मास्टर में आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से ये चीज़ आप लोगों को तो क्लियर हो गया होगा कि जो भी स्टूडेंट, मान लीजिए कि एक ग्रेजुएशन वाला कोई स्टूडेंट है वो इन सारे पोस्ट को प्रेफरेंस में डालता है, तो उसको फर्स्ट स्टेज सीबीटी में बैठना पड़ेगा और उसका मान लेते हैं स्कोर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वो सेकेंड स्टेज सीबीटी में सभी के लिए एलिजिबल हो जाता है, तो उसको जो है सो कि 1, 2, 3, 4, 5 सेकेंड स्टेज सीबीटी में बैठना होगा। उसके बाद हर एक पोस्ट के लिए जो स्किल टेस्ट है उसको भी उसको क्वालिफाई करना होगा। समझ रहे मेरी बात को? पारा 13.2 की बात करें फ्रेंड, यहां पे एक चीज और भी आप लोगों के लिए, पारा 13.2 की बात करें यहाँ पे एक चीज और भी आप लोगों के लिए मेंशन है, सेपरेट सेकंड स्टेज सीबीटी शैल बी टेकन फॉर ईच ऑफ द 7 सीपीसी लेवल, दैट इज लेवल 2, 3, 4, 5, 6 विद ग्रेडेड डिफिकल्टी लेवल। मतलब जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, मान ली लेवल 6 का जो डिफिकल्टी लेवल होगा बहुत ज़्यादा हाई होगा, उसी तरह से लेवल 2 का जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो लो होगा। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा क्वेश्चन पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी आप लोगों का बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कि कट ऑफ के ऊपर कि फर्स्ट स्टेज का जो कट ऑफ होगा वो किस तरीके से जाएगा, तो उसके लिए भी यहां पे आप लोगों के लिए क्लियरली मेंशन किया हुआ है। कट ऑफ की यहां पे हम लोग इधर बात करते हैं फ्रेंड्स, कट ऑफ के बारे में क्लियरली देखिए, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द सेकंड स्टेज सीबीटी शैल बी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑब्टेंड बाय देम इन फर्स्ट स्टेज सीबीटी। ठीक है, तो जो भी शॉर्ट लिस्टिंग होगा सेकंड स्टेज सीबीटी के लिए, जो भी आपका मार्क्स आएगा उसको पहले नॉर्मलाइज किया जाएगा, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑब्टेंड बाय देम इन फर्स्ट स्टेज सीबीटी। ठीक है, जो भी आप फर्स्ट स्टेज सीबीटी में लाएंगे उसके पहले नॉर्मलाइज के बेसिस पे आपको जो है कि एलिजिबल किया जाए। एंड ये इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड, एंड द ऑप्शंस फॉर वेरियस पोस्ट एक्सरसाइज्ड बाय देम कीपिंग इन व्यू द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ऑफ द
कैंडिडेट दैट इज 10+2 और ग्रेजुएट। यहाँ पर यह चीज क्लियरली समझने की कोशिश कीजिए फ्रेंड, आप लोगों ने जो भी पोस्ट प्रिफरेंस भरा है ठीक है, या तो 12th वाले स्टूडेंट हो या ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट, आपका सिंपली चेक किया जाएगा कि जो भी आपने टॉप पे पोस्ट प्रिफरेंस दिया, क्योंकि सीबीटी 1 के केस में 12th वाले और ग्रेजुएशन वाले दोनों बराबर हैं, तो वहां पे चेक किया जाएगा कि स्टार्टिंग में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या किए होंगे, जो सबसे टॉप पे लेवल 6 का जो स्टेशन मास्टर है उसको सबसे टॉप पे दिए होंगे, तो आपका जो भी कट ऑफ जाएगा वो पोस्ट वाइज कट ऑफ जाएगा ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि आप लोग का जो जेई का जो एग्जामिनेशन हुआ था आरआरबी जेई का, आरआरबी जेई में भी मल्टीपल पोस्ट थे, उसी तरह से एनटीपी भी मल्टीपल पोस्ट है, आरआरबी जेई में भी पोस्ट वाइज कट ऑफ गया था और एनटीपीसी में पोस्ट वाइज कट ऑफ जाएगा। इसको मैं कैसे समझाता हूं बेसिक तरीके से एकदम, मान लो कि कोई एक स्टूडेंट है जो टॉप में अपना पोस्ट प्रेफरेंस दिया होगा, तो उसका चेक किया जाएगा कि वो जिधर इसके लिए एलिजिबल है, उसके पास इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो वो यहां पे 20 टाइम स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा सीबीटी 2 के लिए, तो देखा जाएगा कितने सारे स्टूडेंट हैं जो कि यहां पे 20 टाइम्स मतलब कि जो नंबर आ रहा है 20 गुना में जदिगर आपका नंबर आता है तो आप उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे सीबीटी 2 के लिए। उसी तरह से जदिगर आपका नंबर उससे कम होता है तो फिर आपके नीचे के पोस्ट प्रेफरेंस को देखा जाएगा, आपका नीचे का पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग फिर वहां पे 20 गुना स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किया जाएगा। इसीलिए जो आप लोगों का कट ऑफ आएगा फ्रेंड वो आप लोगों का पोस्ट वाइज आएगा कट ऑफ, ना कि जो ऐसा कि आप लोगों का किसी और तरीके से, इस चीज को आप लोग क्लियरली समझ लीजिएगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को लगभग सीबीटी 1 की बात करें, सीबीटी 2 की बात करें या सीबीटी 3 की बात करें, तीनों के बारे में एकदम बेसिक से एकदम क्लियर से जानकारी दे दिया है। फिर भी आपका कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन हो तो सिंपली आप इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं एक बार आपको समराइज कर देना चाहता हूं फ्रेंड, मैंने आपको बताया गया सीबीटी 1 जो होगा वो सभी के लिए कॉमन होगा। यहां पे एक कंफ्यूजन आता है कि सर 12th वालों का क्वेश्चन अलग होगा, ग्रेजुएशन वालों का क्वेश्चन अलग होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसका सिलेबस भी देख सकते हैं, 13.1 में जो आप लोगों को फर्स्ट एक्सेसिविटी की बात की गई, तो इसको जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे यहाँ पे आप लोगों का सिलेबस भी दिया गया है। तो यहाँ पे जो सिलेबस है फ्रेंड, मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस या फिर हम लोग जैसे की बात करते हैं, तो इसमें कोई भी सिलेबस ऐसा नहीं है कि जो मतलब कि 12th वाले बोलेंगे कि हम तो ग्रेजुएशन के बेसिस पे फॉर्म नहीं भरे थे, फिर हमें ये चीज़ आप क्यों पूछा जा रहा है, समझ रहे मेरी बात को। तो इसलिए जैसे कि सीबीटी 1 जो होगा वो सभी के लिए कॉमन होगा। उसके बाद सीबीटी 1 में जो आप लोग मार्क्स लाएंगे उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन करने के बाद 20 गुना स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा सेकंड स्टेज सीबीटी 2 के लिए। लेकिन वहां पे जो कट ऑफ आपका रिलीज किया जाएगा वो पोस्ट वाइज कट ऑफ रिलीज किया जाएगा, यानी कि चेक किया जाएगा कि सबसे टॉप में जो पोस्ट प्रेफरेंस भरा गया है वहां पे कितने सारे स्टूडेंट्स ने उस पर्टिकुलर पोस्ट को भरा है और कितने सारे स्टूडेंट जो कि एलिजिबल है उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। तो 20 गुना स्टूडेंट जितना भी एलिजिबल होंगे उस पर्टिकुलर पोस्ट का वो कट ऑफ तय कर दिया जाएगा। फिर उसके नीचे का चेक किया जाएगा, उसके नीचे में चेक किया जाएगा इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कितने गुने स्टूडेंट जो कि एलिजिबल है सेकंड स्टेज सीबीटी 2 के लिए। तो इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए 20 गुना स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लिया जाएगा सेकंड स्टेज सीबीटी 2 के लिए। तो ये आपका हो गया मतलब कि स्क्रीनिंग के बाद कि सेकंड स्टेज सीबीटी में आप पहुंचेंगे कैसे। जैसे आप सेकंड स्टेज सीबीटी में पहुंच जाएंगे, मान लीजिए आपका नंबर बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आप सारे के सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल हो गए, तो आपको जैसे कि 7 सीपीसी का जो भी अलग अलग पोस्ट है उसमें 5 लेवल है, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, हर एक लेवल के लिए आपको अलग अलग कॉमन सेकंड स्टेज सीबीटी देना होगा। उसके बाद जिस भी पोस्ट के लिए आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड है, एप्टीट्यूड टेस्ट रिक्वायर्ड है, आपको पर्टिकुलरली वो टेस्ट देना होगा फ्रेंड। इस तरीके से जैसे कि फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेरिट बनेगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर आपका फाइनली ज्वाइनिंग का प्रोसेस होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आशा करता हूं मैं काफी बेसिक से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया हूं फ्रेंड। फिर भी आप लोगों किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। इस वीडियो से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिला तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, सभी लोग खुश रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड। आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट आ चुका है, आपने देखा होगा। वैसे सारे स्टूडेंट जो कि रेगुलर बेसिस पे मॉक लगाते थे और उनका जो एग्जामिनेशन था एनटीपीसी का सीबीटी 1 का, जब हम लोगों ने एनटीपीसी का एग्जाम रिव्यू किया था फेज 1 से लेकर के फेज 7 तक का, सीधा एग्जाम सेंटर के बाहर से, और हम लोग सीबीटी 2 का भी एग्जाम रिव्यू करेंगे सीधा एग्जाम सेंटर के बाहर से, तो मॉक लगाने वाले स्टूडेंट्स का उसी समय कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा हाई था और वही कॉन्फिडेंस आज रिजल्ट में भी देखने को मिला है। तो टेक्स्ट बुक से मॉक लगाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको लिंक प्रिंट किया हुआ मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके हमारा कूपन कोड उमंग10 अप्लाई करके आप आसानी से टेक्स्ट बुक पास को परचेज कर सकते हैं। ओके।